झूठी औरत से सोते हुए मिलती, वह चुड़ैल उसकी चोटी काट कर वहाँ से चली जाती। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। चुड़ैल की इतनी हिम्मत कहाँ कि वो मेरी चोटी को हाथ भी लगा सके। अच्छा ये बात है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मेरा काम था तुम्हें होशियार करना। वो इधर उधर ढूंढ रही होती है, तभी देखते हैं कि खिड़की में एक औरत सोती हुई दिखाई देती है। वो चुड़ैल उस घर में घुस जाती है और उस औरत की चोटी काट लेती है। जैसे ही औरत वहाँ से उड़ जाती है, तभी वह औरत उसका पीछा करती है, लेकिन वह चुड़ैल अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। सब लोग उस चुड़ैल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर भीमा को अपनी पत्नी की फिक्र होती है, तो वह अपने घर की ओर चल देता रही होती है। अरे सुमन, तुम्हें पता चला कल रात को मेरे दोस्त मोहन की पत्नी की चोटी उस चुड़ैल ने काट ली। मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत डर लग रहा है, कहीं वो चुड़ैल यहाँ ना आ जाए। अच्छी, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप डरिए मत, मुझे कुछ नहीं होगा। सुमन, तुम्हारे बाल तो दिन ब दिन लंबे ही होते जा रहे हैं, पहले तो ये इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे थे, ये अचानक से इन्हें क्या हो गया? अजी, मैं अब अपने बालों की कुछ ज्यादा ही देखभाल कर रही हूँ ना, इसलिए। ठीक है ठीक है, सुषमा भाभी तो ठीक है ना, अब तुम्हें भाभी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, कहीं चुड़ैल उन्हें अपना अगला शिकार न बना ले। तुम सही कहते हो भाई, मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना और मीना का ध्यान रखना। फिर इतना बोलकर भीमा वापस अपने घर आ जाता है। रात होने पर भीमा सो रहा होता है। सुमन कहाँ हो तुम? सुमन कहाँ हो तुम? अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, चुड़ैल तो मेरी चोटी काट ले गई। अरे मैं तो लुट गई। ये किसकी आवाज है? लगता है चुड़ैल ने फिर से किसी औरत पर हमला कर दिया है, मुझे बाहर जाकर देखना होगा। फिर वो भाग के बाहर जाता है और देखता है कि बाहर कुछ गांव वाले खड़े होते हैं। वो उनके पास जाता है। क्या हुआ भाई, ये चीख पुकार कैसे थी? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं भाई, अभी अभी चुड़ैल इस बेचारे की चोटी काट कर अंधेरे में गायब हो गई। हे भगवान, सुमन तुम कहाँ हो? मुझे वापस जब वो घर पहुँचता है तो देखता है कि सुमन अपने बालों को सहला रही होती है। वो उसे देख कर हैरान हो जाता है। सुमन तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है अभी चुड़ैल ने कैसे किसी की चोटी काटी, क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? सुमन उसकी बातों को अनसुना कर देती है और खुशी खुशी अपने बालों को सहलाती रहती है। सुमन के बाल अब और भी लंबे हो चुके होते हैं। ये क्या सुमन, तुम्हारे बाल तो एक दिन में ही इतने लंबे हो गए, ये कैसे हो सकता है? भीमा सुमन के बाल देखकर घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। फिर अगले दिन सुमन के बालों की लंबाई की चर्चा पूरे गाँव में फैल जाती है, सब लोग उसके बालों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। मोहन भाई, मुझे लगता है सुमन ही चुड़ैल है जो गांव में सबकी चोटी काट रही है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? भाई, जब जब किसी की चोटी कटती है तब सुमन की बालों की लंबाई बढ़ जाती है, और कल जब चुड़ैल का हमला हुआ तब सुमन अपने बिस्तर पर भी नहीं थी, अचानक पता नहीं कहां से आ गई। अगर ऐसा है तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा, तुम आज रात को सोने का नाटक करना, फिर जैसे ही भाभी घर से निकले तुम उसका पीछा करना, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मोहन भाई, तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम वहीं छुप जाना। रात होने पर भीमा सोने का नाटक करता है, तभी सुमन उठती है और घर से बाहर। देखो सुमन, तुम्हें ठीक नहीं कर रही हो, तुम्हें अभी के अभी ये सब रोकना होगा। ए मूर्ख इंसान, मैं कोई परिश्रम नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ, बस मुझे थोड़ी और बालों की जरूरत है, फिर मैं महा शक्तिशाली बन जाऊँगा। भीमा भाई, तुम इसे बातों में उलझाओ, मैं पीछे से जाकर इसकी चोटी काट दूंगा। फिर भीमा चुड़ैल को अपनी बातों में उलझाता है, तभी मोहन चुपके से चुड़ैल के पीछे पहुंच जाता है और उसकी चोटी काट देता है। अरे मर गई, ये तो देखा गई दिया, फिर सारे के करा।